आंखों देखिए मैं आपका स्वागत है, मैं हूं कौसर और आपको हम दिखाना चाहेंगे मानवता का मिसाल पेश करते अल अमन एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर इब्राहिम के द्वारा की जा रही है गरीबों का सेवा। यहां हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पूर्णिया जिले के मिर्जाबाड़ी कस्बा की तस्वीरें, मिर्जाबाड़ी कस्बा बैतूना की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन से गरीबों के भोजन की समस्या बढ़ते जा रहा है, वहीं गैर सरकारी संस्थानों का आगे आना मानव कल्याण के हित कर है। यहां आप तस्वीरों में देख रहे हैं जिनकी तस्वीर, ये मोहम्मद रहमान साहब हैं जो भीम आर्मी के पूर्णिया जिला अध्यक्ष के रूप में हैं। और हम दूसरी तस्वीर में दिखाना चाहेंगे कि अल अमन एजुकेशनल सोसाइटी अध्यक्ष इब्राहिम बुखारी, डॉक्टर इब्राहिम बुखारी के द्वारा इनका इस कार्यक्रम को संपन्न किया जा रहा है। वहीं कार्यकर्ता के रूप में कहीं ना कहीं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष रहमान भी मौजूद हैं और गरीबों में राशन वितरण की जा रही है। लॉकडाउन यहां पूर्ण रूप से देखा जा रहा है कि लॉकडाउन का भी पालन हो रहा है। डॉक्टर इब्राहिम के द्वारा वितरण किया जा रहा और ये बड़े पैमाने पर राशन दिया जा रहा है कई स्तर पर। देख पिछले दिनों से भी इनके द्वारा राशन वितरण की जा रही थी और ऐसा अक्सर देखा जा रहा था कि लोग थोड़ी सी राशन लेकर चले जाते हैं और घर पर रखकर फिर दोबारा आने की तस्वीरें कई जगह होता है जिस कारण से राशन खत्म होती है। लेकिन यहाँ डॉक्टर इब्राहिम बुखारी के द्वारा इस प्रकार से राशन लाद कर बोरे भर भर कर दे दिए गए कि उनको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़े और वो बड़े मुश्किल से ले जा रहे हैं, तस्वीरें साफ है। और आगे की तस्वीरें भी आपको चौंका देंगे कि मानवता का मिसाल पेश करते हुए दानवीर के रूप में लोगों के बीच मसीहा बनकर खड़े हो रहे हैं डॉक्टर इब्राहिम, जो लोगों को ये कह दिए कि तुम जितनी ले जा सको भोजन, जिसमें बहुत सारे सामान हैं, दाल चावल चना सहित आप यूँ समझें कि रोज़ा चल रहा है और रमज़ान के दिनों में जो ज़रूरत की सामान है अपने इच्छा से उठा लो। तो लोग अपनी इच्छा से जितना भार तक ले जा सकते हैं उतनी भार वो उठाकर ले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी तस्वीर सामने में आ रही है और ये काफ़ी अलग है अन्य तस्वीरों से। अन्य तस्वीरों में जो आप देख रहे थे, अन्य समाचारों में हमारे देख रहे थे कि इस लॉकडाउन के तहत गरीबों के मसीहा कई लोग बने लेकिन राशन कम थे, लेकिन यहाँ राशन इच्छा अनुसार ले जाएं। और सिर्फ इतना ही नहीं, महीनों से वितरण करते चले आ रहे हैं और आज के दिन 500 से भी अधिक लोगों के बीच वितरण किया गया। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि भाई आपकी जितनी इच्छा हो आप ले जा सकते हो। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि ये आगे भी बता रहे हैं बाइट में कि इनके द्वारा किसी भी प्रकार की ये भेदभाव नहीं की जा रही है कि ले जाने वाले हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। यहाँ सभी लोगों के लिए दरवाजे खोले गए हैं और सभी लोग इनको डॉक्टर इब्राहिम व साथ में जिला अध्यक्ष रहमान को भी लोग साधुवाद दे रहे हैं और धन्यवाद के पात्र समझ रहे हैं। इस लॉकडाउन के इस घड़ी में गरीबों को भोजन को लेकर त्राहिमाम मच रहे हैं, वहीं इस प्रकार से अल अमन एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा आगे आना और लोगों को इच्छानुसार ले जाने देना, भोजन राहत सामग्री ले जाने देना, सूखा राशन सामग्री ले जाने देना, ये बहुत बड़ी बात है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं काफ़ी वृद्ध हैं और वो अपनी क्षमता अनुसार ही ले जा रहे हैं। इस वृद्ध व्यक्ति का बच्चा आगे ले जा रहा है और वो बच्चा उतना ही ले जा रहा है जितना ले जा सके। यहाँ आप पीला शर्ट वाले को देखें कि हाथ बदल बदल कर वो ले जा रहे हैं, ये भला दोबारा कैसे, थोड़ा सा अगर राशन रहता तुरंत रख कर घर दोबारा लेने आते, लेकिन अब तो दोबारा लेने की बात यहाँ नहीं हो पाएंगे क्योंकि लोग बड़ी मुश्किल से बोरा लाद लाद कर जा रहे हैं। तो तस्वीरों में साफ है कि ये है दानवीर राजा हरिश्चंद्र के रूप में जो तस्वीरें आ रही है डॉक्टर इब्राहिम बुखारी के, ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली तस्वीर है। इन्होंने अपने जीवन में कमाए भंडारा इन्होंने खोल दिया कस्बा मिर्जाबाड़ी वालों के लिए। इसे आंखों देखी चैनल की ओर से भी साधुवाद दी जाती है ऐसे लोगों को जो आज लॉकडाउन के इस मुश्किल घड़ी में लोगों को खुल कर अपना कमाई दान कर रहे हैं। सरकारी तरफ से या आप अपने तरफ से या कोई पार्टी की तरफ से ये वितरण हो रहा है? हम लोगों का एक एनजीओ है, सोसाइटी है, अल अमन एजुकेशनल सोसाइटी, उसी की तरफ से ये मैंने वितरण हो रहा है। और
ये सोसाइटी एजुकेशन की तरफ जिस तरह काम कर रही है उसी तरह गरीबों का देख रेख और इसका पालन पोषण की तरफ भी और इसका रोज़गार की तरफ भी देखती है हमेशा। और ये इसका हमेशा ये जब से कायम है उसी वक्त से ये दोनों तरफ ये देख रही है। और सबको पता भी है कि एक सोसाइटी ने एक अभियान चला के रखी है, आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, अशिक्षा और गरीबी मिटाएं, उसके तहत भी बहुत सारे काम की है ये सोसाइटी। और ये लॉकडाउन के चलते जो पूरी दुनिया में महामारी है और लॉकडाउन है, जो गरीबों को अभी अनाज नहीं मिल रहा है, मजदूरों को काम ना मिलने की वजह से वो भी घर में कुछ नहीं मिल रहा है और वो बहुत बेचारे परेशान हैं घर में, उसी को देखते हुए और लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए आज ये बहुत बड़े पैमाने में सबको वितरण किया गया है। और अच्छे अनाज चाल है, मूढ़ी है, चना है, दाल है, तेल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिया गया है ताकि वो किसी तरह अपने घर में रह करके कम से कम जी सके। अच्छा, ये जो बांट रहे हैं आज, और आपने कहा कि इससे पहले भी बांटे हैं, तो सिर्फ मुस्लिम को बांट रहे हैं कि सबको बांट रहे हैं? नहीं, सबको, मुस्लिम गैर मुस्लिम, इस सोसाइटी के कोई ये नहीं है कि मुस्लिम यूनिटी को देखे। ये इसकी एक ही खसूसियत है कि मुस्लिम गैर मुस्लिम हर लोगों को ये बराबर नज़र से देखती है और बराबर नज़र से देख करके हर एक के बीच में सही तरीके से काम कर रही है। इससे पहले भी हम लोग तकसीम किए, घर घर में जाकर के तकसीम किए थे, उसमें भी मुस्लिम गैर मुस्लिम को सबको देखा गया। और हर वक्त दोनों कोई यहाँ जात पात या कोई रिलीजन या कोई धर्म की बात नहीं है, सबके बीच में अल्हम्दुलिल्लाह ये सोसाइटी काम कर रही है और सबको ही फायदा उठा रहे हैं इसमें। तो ये आज जो है सर लास्ट वितरण है कि इसके बाद ही फिर वितरण करेंगे? ये लॉकडाउन के हिसाब से इंशाल्लाह देखेंगे। आज 3 तारीख तक ऐलान है, अगर 3 तारीख से कुछ आगे बढ़ता है तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसके लिए ताकि गरीबों को कुछ मदद मिले। और आज देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, तकरीबन 500 से भी ज़्यादा लोग आज मुस्तफिदीन हैं, यानी लेने वाले हैं, फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं। 500 से भी ज़्यादा आदमी आज के इस दिन में है। अपना परिचय? डॉक्टर इब्राहिम बुखारी, अध्यक्ष अलामान एजुकेशनल सोसाइटी।